नमस्कार, आज के उपाय में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्रा। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि यदि दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो आप क्या उपाय करें जिससे शत्रुओं से राहत मिले, जीवन में शांति आए। साथ ही आप लोगों के सवाल भी लेंगे, बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, तो आपके सवाल भी अवश्य शामिल करेंगे। जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है अभिषेक कुमार, तो इनका सवाल लेंगे। आप भी यदि सवाल भेजना चाहते हैं तो जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए, सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए, वहाँ से हम आपके सवाल उठा लेंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि यदि शत्रु परेशान कर रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस कलयुग में हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो आपको सभी शत्रुओं पर विजय दिला सकते हैं। तो यदि शत्रु परेशान करें तो बिल्कुल निश्चिंत भाव से हनुमान जी की शरण में जाइए। क्या करना चाहिए आपको, बहुत सरल उपाय बताते हैं। आपके घर के पास जो हनुमान मंदिर हो वहाँ जाइए और प्रतिदिन गुड़ का भोग लगाइए। एक पीस गुड़ का लेकर के जाइए और प्रतिदिन जो है हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाना शुरू करिए और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ें। और एक दीपक लेकर के जाएं, उसमें तेल डालें और दो लौंग डाल लीजिए। दीपक लिया, तेल डाला, दो लौंग डाला और दीपक को जला दिया और वहीं हनुमान जी के पास रख दीजिए। ये उपाय आप नियमित करना शुरू करिए, आप देखेंगे धीरे धीरे जो है शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने ये उपाय आजमाया, उनको फ़ायदा हुआ है, आपको भी फायदा हो सकता है, आप ये उपाय आजमा सकते हैं। अब आइए, वक्त हो चला है सवाल लेने का। सवाल जिनका ले रहे हैं उनका नाम हमने आपको बता दिया था, अभिषेक कुमार हैं। आप भी चाहें तो अपने सवाल भेज सकते हैं, उसके लिए आप अपनी डिटेल कमेंट बॉक्स में लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए, सवाल लिखकर कमेंट में छोड़ दीजिए, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे। याद रखिए, सवाल पूरा अवश्य लिखें। बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं लेकिन पूरी डिटेल नहीं लिखते, फिर कुंडली नहीं बन पाती है, तो इसलिए पूरी डिटेल अवश्य लिखिए। आइए अभिषेक जी की कुंडली बनाते हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जुलाई 1997। समय है सुबह शाम को 10:05, 10:05। और जन्म स्थान इनका ये है मुगल सराय। जो आपने अभिषेक जी डिटेल बताई है, 14 जुलाई 1997, जन्म का समय है रात को 10:05, मुगल सराय, उसके आधार पर आपकी कुंडली बन करके तैयार है। आपका सवाल यह है कि क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, फ्यूचर कैसा होगा। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है और तुला राशि है। आपका जन्म स्वाति नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। इस समय शनि की महादशा चल रही है जो मार्च 2015 से शुरू हुई है और मार्च 2034 तक चलेगी, और बुध की अंतरदशा चल रही है जो मार्च 2018 में शुरू हुई है और दिसंबर 2020 तक चलेगी। आपका सवाल ये है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। देखिए, आपके दसवें घर का स्वामी मंगल है और मंगल आठवें घर में बैठा हुआ है, सूर्य आपकी कुंडली में तीसरे घर में बैठा है। आप अगर प्रयास करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आपको जॉब मिल सकती है जनवरी 2022 से लेकर के फरवरी 2026 के बीच में। जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2026 तक का समय अनुकूल है, उसमें आप प्रयास करेंगे तो मिल सकती है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी कुंडली ये कहती है कि हार्ड वर्क करना होगा यदि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। कम मेहनत से काम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत लंबा कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन में आपको बहुत सारे लोगों को बीट करके, बहुत सारे लोगों के ऊपर अपनी प्रतिभा को दिखा करके फिर जो है जॉब प्राप्त करनी होगी। खूब मेहनत करिए, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आप चाहें तो एक रत्न धारण कर सकते हैं। आपके लग्न का स्वामी शनि है तो शनि का रत्न नीलम, कम से कम 7.25 रत्ती का आप
शनिवार के दिन धारण करें, लेकिन उससे पहले टेस्ट अवश्य करा लें, क्योंकि नीलम बिना टेस्ट किए धारण नहीं करना चाहिए। तो 48 घंटे तक नीलम को बांध के रखिए। यदि वो आपको सूट करता है, आपको बुरे सपने नहीं आते हैं, सब कुछ सामान्य रहता है जैसे बाकी दिनों में है, तो इसका मतलब ठीक है, फिर आप उसको धारण कर सकते हैं। तो दर्शकों, आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। उसके लिए आप अपनी डिटेल, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में उस सवाल को शामिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार।